अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप? तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज अलार्म बजने से पहले ही मेरी आंख खुल गई और उठते साथ ही मैंने पूरे घर में अन्या को ढूंढा तो अन्या मुझे मिली नहीं। फिर उन्होंने मैसेज किया, मैंने कहा तुम हो कहाँ? मुझे लगा था गेस्ट रूम में है, मैंने जाके देखा तो वहाँ पे है ही नहीं। अक्सर यूजुअली अगर मैं जल्दी उठ जाऊँ तो वहाँ पे तैयार हो रही होती है। मैसेज किया तो कहती मैं तो निकल गई मेन स्टेशन पर। मैंने कहा वाई? कहती बिकॉज मैं लेट हो रही थी, मेरी 8 बजे क्लास थी। तो कहा मैं चलेंगे भी ठीक है। 2 दिन अन्या क्लासेस नहीं थी तो हमने जरा चिल किया, हमने सफाई सफाई बिल्कुल भी नहीं की, मतलब कि वैक्यूम भी नहीं किया। तो ये सारा सेक्शन, ये जूते वूते जरा ठीक करते हैं, समेटते हैं थोड़ी देर में। मजे की चीज आपको दिखाता हूँ कि जब दोनों खाना खाते हैं ना दीवार के ऊपर उसके छींटे लगते हैं, तो ये एक शीट मंगाई थी जिसकी वजह से अब ये प्लास्टिक की शीट लगी हुई है तो दीवार गंदी नहीं होगी। यहाँ से आते साथ ही आप देखते हैं कि कचरे का थैला भी पड़ा हुआ है, मतलब कि डस्टबिन है लेकिन कचरे का थैला भी पड़ा है। इसकी वजह ये है कि हमने बहुत बड़े बैग मंगा लिए थे। ये 100 लीटर का बैग है, मतलब कि साइज़ देखें बहुत बड़ा है। और सबसे अप्रोप्रिएट जो होता है वो ये साइज़ होता है, 60 लीटर, 75 लीटर। तो 100 लीटर का जो बैग है पूरा अगर ठूस दे दो और उसमें चीज़ें मैं डालता रहता तो ये निकलता नहीं। और फिर हमने बोला कि यार यूटिलाइज़ करते हैं, इसके अंदर वेस्ट डालते हैं अभी। तो अभी फिलहाल हम जब तक ये भरेगा नहीं इसको हम फेंकेंगे नहीं। रात को हमने डिशवॉशर लोड नहीं किया था तो अनिया मेरे बोलती कि मैंने सुबह कर दिया था, ये भी धुल के बाहर आ गए अभी। इनको वापस, अच्छा ड्राई नहीं हुए अभी, फिर इनको ज़रा यहीं पर ड्राई करने के लिए वेट करते हैं। ये जैसे ड्राई होते हैं फिर इनको वापस री रैक करते हैं। ऑल्सो गाइस, कैन यू गेस ब्रूनो कहाँ है? क्या आप गेस कर सकते हैं? ये देखिए, ये ब्रूनो साहब का काउच जो है, ये इसको हम ब्रूनो साहब का काउच बोलते हैं क्योंकि हमारा तो है नहीं। हमने सेटी वटी लगाई थी, जरा रात को माहौल फुल बना होता है, हम जरा मूवी शूवी देख रहे थे। इसमें रिक्लाइनिंग शिक्लाइनिंग वाला तो है नहीं, हमने कहा टांगी का रखें तो इसके ऊपर हम रखते हैं। ये भाई साहब को देखे जरा, ये तुमने गिराया, तुमने गिराया, चलो आ जाओ, जाना है वॉकी पे। ये कैसे नोटिस करें कैसे कान खड़े, आ जाओ चलो। ऑल्सो गाइस, ब्रूनो का एक कैच है, ब्रूनो को कुछ भी बोलने के लिए ना टैप टू मूव होता है रूल। चलिए आ जाओ, टैप टैप टू मूव, आ जाओ। अभी अदरवाइज बुलाता तो शायद ना आता। ऑल्सो गाइस, टुडे इज अ वेरी प्लेजेंट सनी डे। ये जरा खिड़की खोल लेते हैं, अच्छा लगता है, थोड़ी सी हवा क्रॉस होनी चाहिए। वरना अपार्टमेंट में अगर आप रहते हो ना तो आपको आइडिया होगा कि बड़ी सफोकेशन टाइप हो जाती है। समय काफ़ी लोगों ने बोला है कि मोल्ड की भी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है अपार्टमेंट्स में यहाँ यूके में, बिकॉज ड्राई होता है। तो हमने बोला कि भाई खिड़कियाँ विड़कियाँ जो हैं वो हम खोल के रखें ताकि हवा ज़रा क्रॉस होती रहे। फिर बैठ गए, चलो आ जाओ, चलो 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 चलो। चीज़ जो आपके भाई ने यहाँ पे रह के सीखी है ना वो ये कि यहाँ पे मौसम का भरोसा बिल्कुल नहीं करने का। तो ये जैकेट नहीं, ये रेनकोट है, और ये रेनकोट भी हम बंद करके जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल पता नहीं चलता। एक टाइम फुल सनी होता है, एक टाइम बिल्कुल बारिश हो जाती है। मतलब आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बस ये कि हम एडजस्टमेंट पीरियड से गुजर रहे थे तो अब हम फुल तैयार हैं। गाइस, यहाँ पे मेरी जो जैकेट सनी होती है ना वो, जिस बाय द वे ब्रूनो का रेनकोट है, ये सारी बूनी जैकेट्स हैं। ये वैसे जिम प्लस बूनी है, निया का बूनी रेनकोट है और ये मेरा बूनी रेनकोट है। मैंने रियलाइज किया था कि इसके अंदर पूप बैग्स तो हैं, ये हैं पूप बैग्स बेसिकली, जिससे पूप उठाते हैं। तो ये मेरे पास काफी किस्म के थे लेकिन सिर्फ एक जैकेट में थे। और इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ था कल, मैं चला गया बुनी को लेके एंड बुनी पूप्ड एंड आई डिड नॉट हैव माय पूप बैग, देन आई हैड टू बोरो इट फ्रॉम समबडी। मैंने कहा कैन आई हैव अ पूप बैग, जा रहे अच्छे होते हैं उसने मुझे दे दिया। लेकिन मैंने कहा ये जरा शर्मिंदगी का आलम है, अगर कोई ना होता तो मैं क्या करता। तो इसीलिए मैंने एक एक पूप बैग का जो पैक है वो सारी जैकेट में डाल दिया कि ऐसा हो ही ना। बुनी की अब हम निकालेंगे बॉल, सही चलो बाहर चल के खेलेंगे, चलो 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 चलो। बिल्कुल मुंह पे खड़ा होता है ये, कोई और कुत्ता आ जाए, कुछ हो जाए, लड़ पड़े आपस में, पीछे होके खड़ा हुआ करो। वाली आ गई, बोली आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, साइड वाली आई है, आ जाओ, शबर शबर शबर, कोई होगा अंदर, खाली लेफ्ट, आ जाओ आ जाओ, गुड बॉय। डोर्स क्लोजिंग। मैं पार्क ले आया हूँ बिकॉज इट्स सनी डे, मैंने जरा आजाद छोड़ा हुआ है, आगे सूंगे जो मर्जी करना करे। और तो बड़े मजे की आप लोगों को बात बताता हूँ, हम गए ब्यूट पार्क। हमने ना मूवीज में कार्टून में देखा था कि जो कुत्ते हैं वो गुलेरियों के पीछे, स्क्विरल्स के पीछे भागते हैं। मैंने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की थी क्योंकि हमने कभी उस तरह से गुलेरी देखी ही नहीं, हमारे कुत्ते ने देखी, इतनी कॉमन तो होती नहीं है, कॉमन तो होती नहीं है यहाँ पे, पार्क्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये एक रिलेटिवली छोटा पार्क है, यहाँ पे इतनी कॉमन नहीं है,
बट यहाँ पे हमारे घर के पास है ब्यूट पार्क, वो बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ पे बहुत कॉमन है, वहाँ पे लोग अपने कुत्तों को लेके आए और सारे कुत्ते गुलेनियों के पीछे भाग रहे। मैंने ब्रूनो को जाहिर ऑफ लीश आप छोड़ते हैं, आप जरा जगह देखते हैं कि ठीक है ये रिलेटिवली सेफ है जगह कि नहीं, कुत्ते को मैं ऑफ लीश छोड़ सकता हूँ, तो मैंने ऑफ लीश छोड़ा। बस आप गुलेनियों के पीछे भाग रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं है। मैंने कहा यार ये मतलब ये तो इसको लग रहा है बिल्ली है ये क्या है, और उसके बाद आवाजें भी निकाल रहा है, मतलब एक होता है गुस्से वाली वो वहां से निकाला मतलब कि मुझे खेलना है। बेसिकली जो साउंड होती है इसका मतलब होता है कि नीचे आओ पास आओ मेरे में, जो खेलना है मेरे से भागो नहीं। तो गुलेरी वाली स्टोरी तो यार मेरे दिमाग में थी, मैं आपके साथ शेयर करूँ। उसे खेलना है बॉल चाहिए, ये क्या मुंह में ये कहां से आया, कितना स्नीकी। इधर ओए ब्रूनो, ब्रूनो मैंने कहा ब्रूनो का मुंह कितना सूजा है, ब्रूनो ने तो कोई बॉल उठाई हुई है गाइस मुंह में। ऑब्वियसली गाइस किस ब्रूनो ने इतना खेला है तो ब्रूनो फुल गीला हो गया, जाके जरा इसको सुखाना ही पड़ेगा। हरकतें ही करता है, लेट के लोटियां खाता है और फिर ये फुल गीला हो जाता है। ये सरप्राइजिंगली मैंने यूके में ज्यादा नोटिस किया, पाकिस्तान में इतना करता नहीं था। अब आई डोंट नो कि घास गीली है इसलिए अच्छा लगता है या क्या सीन है, बट हर वक्त लोटियां खाता है गंदा हो जाता है, ये गीला हो जाता है गंदा हो जाता है। लेट मी शो यू हाउ दिस इज डन। अब ये पूरा क्योंकि गीला है तो पहले हम इसको पूरा ड्राई करते हैं ऐसे ताकि कहीं से भी ये गीला ना हो और अंदर जाके कुछ भी गीला ना करे। तो दुम भी दुम रहती है भी ऐसे, वन टू और चौथा सोच रहे हैं क्यों बैठा हुआ, तो इसकी बॉल रखी थी बोलने के लिए बैठा हुआ। बॉल टाइम ओवर, ये जरा वापस जा रही है। गाइस हम हल चला के आए हैं, हम बहुत थक गए हैं, हमने इतना काम कभी नहीं किया। ये देखिए मुझे लगता है कि आज मैंने जुगाड़ों की भी इंतहा कर दी है। सो बेसिकली मैं बना रहा था अपना प्रोटीन पैनकेक, हाई प्रोटीन के ना पैनकेक मिक्स आता है ये वाला। अब इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं कि आपने इसके अंदर 100 ml मिल्क डालना है और 1 अंडा डालना है। तो ये मैंने सोचा, मैंने कहा यार अंडे शंडे खाने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि भाई बहुत अंडे खाए, मतलब मैंने जितने अंडे खाए हैं ठीक है, और स्टेपल ब्रेकफास्ट इन द पास्ट 10, 12, 15 ईयर्स, लाइक इट हैज नथिंग टू डू विद डाइट, बट जितने मैंने खाए हैं मेरी बस हो गई है ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छे नहीं लगते, बट जितने मैं इनसेन अमाउंट खाता था 6-8 अंडे, वो मेरे से अभी खाए नहीं जाते। आई डोंट नो व्हाट इट इज। मैंने ये प्रोटीन पैनकेक का मिक्स मंगाया, इन द डेज जिसमें मुझे फील हो रहा था कि मैंने अंडे नहीं खाने, मैं पैनकेक खा लेता हूँ। तकरीबन को 30-35 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है अंडा से अंडा डाल के, तो 40 ग्राम के ऊपर कौन सा नाश्ता। कार्ब्स आर अराउंड 7 ग्राम, सो बेसिकली वेरी वेरी अमेजिंग ब्रेकफास्ट। लेकिन एक कैच है, आज मैंने जरा फ्रिज खोला क्योंकि कॉफी खत्म थी ना, तो अनिया ने कॉफी बाहर से ली है। यूजुअली अनिया जब जाती है तो मुझे उठा देती है कि मुझे कॉफी बना, आई लव मेकिंग कॉफी फॉर हर। दूध नहीं था बॉस, अगर अनिया उठाती थी तो पता चल जाता कि दूध नहीं है। तो मैंने ये निकाला एकदम सारी चीजें, मैंने ये जो बैटर इसका है वो रेडी करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि दूध तो बस थोड़ा सा ही है, मैंने जैसे ही डाला ना तो तकरीबन 30 ml दूध निकला। मेरे दिमाग में वही आइडिया आया जो हमें बाथरूम में आता है टूथपेस्ट निकालते, खैर कोई बात नहीं, ये शैम्पू निकालते। फिर मैंने सोचा, मैं देखिए थोड़ा सा साइड पे लगा होगा ठीक है, मुझे तकरीबन 80 ml टू 100 ml चाहिए थे। मैंने थोड़ा सा पानी डाला सिंक से इसके अंदर, मैंने हिलाया और मैंने डाला। तो आई होप कि हमारा जो काम है वो चल जाए एंड माई बैटर लुक्स समथिंग लाइक दिस राइट नाउ। मुझे पता नहीं है कि ये बन के कैसा होगा, ये पता चले बिल्कुल ये तो पापड़ बन जाए या बहुत ही सूखा हुआ बन जाए, बिकॉज मिल्क मेक्स इट मॉइस्ट। बट अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि कैसा बनता है क्या होता है। अभी फेंट तो ना हूँ मैं एंड जरा अच्छी कंसिस्टेंसी आ रही है, थोड़ा सा पतला है बट आई होप काम चल जाए। मेरे यूके में ना काफ़ी चीज़ों से बन गई है, मैंने कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों से मेरी बन गई है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक चूल्हे से मेरी नहीं बनी अभी तक। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इतना डिसेप्टिव है कि आपको समझ नहीं आता कि यार ये कितनी इस पर आँच है, क्या है, मज़ा नहीं आता इस पे खाना पकाने का। जैसे आग है ना यार, आग की गेम्स ही और होती हैं। ये अब इसमें इतनी फ्लेम देगा क्या होगा, मेरा अंडा नीचे से मेरा पैनकेक पक रहा है नहीं पक रहा, जल गया क्या है, पता ही नहीं चलता जब तक जलने की बू ना आए। ये हमारा जरा एक थोड़ा सा ना लव हेट रिलेशनशिप चल रहा है चूल्हे के साथ। ये वाला एक क्यूट सा हमारे पास पैन है, हम जरा इसको यूज़ करते हैं।
इसमें डालेंगे। अब मैं बस अल्लाह का नाम पढ़ रहा हूँ कि ये पक भी सही जाए और जले भी ना, और जो दूध वाली हमने फनकारी की है वो भी जरा गुजारा हो जाए। सरप्राइजिंगली गाइस, मैं तो अम्मा को भी अभी भी ना कॉल करके बोलता हूँ, अम्मा मैं तंग आ गया हूँ इलेक्ट्रिक चूल्हे से, लेकिन सरप्राइजिंगली सॉफ्ट भी है। और ऐसे कलर की दिखाता हूँ, हाँ उतना उस तरह का नहीं है जिस तरह का दूध से बनता है, बट नॉट बैड यार, मतलब काम चल सकता है। फाइनली गाइज घर हो गया है पूरा साफ, नीट एंड टाइडी, वैक्यूम शैक्यूम पोचा वोचा एवरी सिंगल थिंग इज क्लीन, और सेटिंग वेटिंग हमने कर दी, ये वापस सेटिंग अपनी जगह पे रख दिया, टेबल वेबल साफ कर दी, बहुत डीप क्लीनिंग नहीं है बट रिलेटिवली ज़रा अच्छी है। ये वाली साइड बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी, इसको तो मैंने बहुत ज़्यादा साफ किया, वो जूते पता नहीं इन्होंने कहाँ रखने, इसलिए मैंने नहीं उठाए। ये ब्रूनो की हार्डनेस है, इसको भी ज़रा वापस रखें इन हिज ड्रॉर, दिस इज़ अ ब्रूनो ड्रॉर, गंदा ब्रूनो ड्रॉर जहाँ पे हार्डनेस तौलिए शौलिए ये सारी चीज़ें जाती हैं। अब थोड़ा ज्यादा साफ लग रहा है। ऑल्सो भाई की बेड मेकिंग स्किल्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। वैसे आपस की बात, आज मुझे लग रहा है थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ था। बिल्डिंग के बाहर अनिया आ गई है, चाबी नहीं लगी गई थी, जरा लेने जा रहा हूँ, बाहर जा रहा था अनिया को लेने और अनिया आ ही गई। अनिया कैसे वेट करता है, प्यार कर लो बेचारे को। आज देखो मैंने, देखो तो सही कैसे साफ किया है यार। अपने वो जो जूते हैं उसको साइड पे रखो ना कहीं, वो वाले उनकी कुछ जगह को ठिकाना तो देखो। ओ आई थॉट उसका कुछ करना है तुमने। चलो ना ब्रूनो अंदर चले। भाई आ जाओ, चलो 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 चलो, गुड बॉय। सही है ये देखो, ये टेबल भी मैंने सारे ये कपड़े शपड़े हट, वो क्या इसको बोलते हैं यार, इसको क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट, ये सारे प्लेसमेंट हटा के मैंने सफाई की। हाँ वो कबाब भी है। हाँ गाइस हमारी ना सुबह थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, बिकॉज़ अनिया जाते हुए मुझे बोल के गई थी और फिर मैसेज भी किया था कि जो चिकन है वो डीप फ्रॉस्ट कर देना, मैं बोलता हाँ हाँ मैं कर देता हूँ और फिर मैं भूल गया। तो अभी फ्रेश फ्रेश लड़ाई हुई है घंटा पहले, तो कर तो दिया मैंने एंड काफी हद तक वैसे हो गया है, थोड़ा सा टाइम है सिर्फ। ये देखो खुल भी रहा है आहिस्ता आहिस्ता, चिकन यहाँ हो गया काफी हद तक, प्रॉमिस, कसम से प्रॉमिस। पता नहीं आप लोग ऐसे करते हैं कि चिकन विकन को हाथ लगा के आप उन धोते हैं। ये देखें अच्छा खासा चिकन डिफ्रॉस्ट हो गया था गाइस, ये देखें क्या वो नहीं हुआ वो डिफ्रॉस्ट। तो यार अभी जितना खाना है वो तो हो गया है ना, तो मैं दो दफा बनाऊंगी बिरयानियां। हाँ सी ये भी है ट्रू, सॉरी ऊपर से सॉरी बोल रहा हूँ, बंदा बोले हाँ ठीक है इट्स ओके, इतना चिल्ला के मेरे ऊपर सॉरी बोलने का फायदा, चिल्ला के नहीं, आई वाज जस्ट लाउड, दैट्स कॉल्ड चिल्लाना, नो आई वाजंट स्क्रीमिंग, मेरी आवाज ऊंची हो जाए डोंट स्क्रीम यार। देखो सिविल कॉन्वर्सेशन हो सकती है, तो सिविल कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे थे ना तुम। अच्छा क्या बना रही हो, बिरयानी, उसको भी भूख लगी, उसके लिए भी बना दे बिरयानी, नहीं डॉग बिरयानी, योगर्ट खिला चुके हो हमारे गाइस। अनिया ने मेरे से पूछा, सुबह से मेरे से पूछ रही थी कि हमारे दही कितना पड़ा, मैंने बोला बहुत पड़ा यार, 1 kg का टब है उसमें से आई थिंक 1/4 यूज हुआ, कहती नहीं ग्रीक योगर्ट कितना पड़ा, इतना सा डब्बा था, मैंने ब्रूनो के लिकी मैट में डाल दिया, कहती ब्रूनो को नॉर्मल दे देते ग्रीक योगर्ट हम खा लेते, प्रोटीन मिल जाता हमें थोड़ा एक्स्ट्रा, इतना चिकन भी तो खा रहे हैं मिल जाएगा प्रोटीन और मिल जाता ना। चारी देखें आते साथ ही खाने पे लग गई हैं, कितनी देर में बनेगी बिरयानी, 15-20 मिनट लगेंगे, इसलिए बोल रहे हैं कबाब खाने तो बना देते हैं, इतनी जल्दी कैसे बनेगी, मतलब चिकन कटने के बाद 15-20 मिनट। हाँ खैर है, बिकॉज़ आई हैव टू टेक अ शावर इज वेल, गेट रेडी एंड थोड़ा प्रेजेंटेबल बने, अच्छा इसमें डालो ना गरम, क्या इस वाली चिकन में डाल दो गरम, तो वो अभी खुद ही बोलती वो ड्राई हो जाएगी, डाल दो टाइम नहीं। जनिया ने जो बिरयानी बनाई थी पुलाव बिरयानी बेसिकली, वो अनिया ने बनाई एंड बनाते बनाते अनिया को ख्याल आया कि उसकी 1 घंटे में एक और क्लास है, को लगा था कि उसकी 12 बजे क्लासेस खत्म हो गई हैं, बट उसकी दोबारा से 3 बजे से 4 बजे तक एक क्लास थी जो कि ऑलमोस्ट मिस होने वाली थी अगर उसको याद ना आता, तो वो भागी ट्रेन स्टेशन, वहां से वो जल्दी से ट्रेन लेके पहुंची, अपना खाना अनिया अपने साथ ले गई थी, मैंने अभी अभी खाया है, अब हमने प्लान किया है कि हम ट्रेन स्टेशन पे ही मिलेंगे, तो बस मैंने जैकेट शैकेट पहन लिए, दोनों को भी हार्नेस लगा दिए, साथ ही चलते हैं एंड फिर अनिया से वहां पे मिलते हैं। गाइस हम आ गए हैं स्टेशन, अनिया आवाज दे रही है ब्रूनो को, मैंने तो देख लिया, देखते ही देखते नहीं, पूरी अनिया कहाँ है, अनिया कहाँ है, अनिया कहाँ है, देखो कहाँ है, देखो कहाँ है, वो देखो, वो देखो। गाय
गाइस आप अनिया से कुछ सीखें कि अपना टाइम टेबल ना पहले से देख लिया करें कि आपका आपकी क्लास तो वापस क्यों आई थी, उधर ही रहती ना 3 घंटे क्या करती वहाँ। हाँ वैसे ये भी है। चलो वैसे सनसेट भी हो ही गया ऑलमोस्ट, इसको भी लेके चले। आ जाओ आ जाओ। ब्रूनो को भी इसलिए लेके आए हैं क्योंकि एक तो हमने इसको वॉक भी करानी थी, दूसरा आप में से काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा लेकिन आज रात को बेसिकली 12 बजे ब्रूनो का बर्थडे है। ये जो भाई साहब है ब्रूनो की बर्थडे का की जो भी है। सो ब्रूनो 6 साल का हो जाएगा, 2018 में ब्रूनो को लेके आया था जब ब्रूनो 40-50 दिन का था, जस्ट ओवर अ मंथ ओल्ड एंड बिल्कुल छोटू सा था, इतना आई थिंक 3.5 किलो का था और ये इतना बड़ा घोड़ा बन गया। तो आज इसकी 6th बर्थडे है, अक्टूबर के एंड में पैदा हुआ था और दिसंबर के बिल्कुल फर्स्ट डे मेरे पास आ गया था। तो हमने सोचा कि क्योंकि ये इतना बड़ा हो गया है और हम यूके में हैं, ये चीज़ हम पाकिस्तान में कर नहीं सकते, तो यहाँ पे ना पेट शॉप हम इसको लेके जाते हैं, इस भी चीज़ में मुँह रखेगा हम इसको दिलाएंगे और उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, केक काटेंगे या जो भी सेलिब्रेशन टाइप हम पाकिस्तान में ज़्यादा कर नहीं पाते तो आज करेंगे। चलो जितनी वॉक करा सकते हैं उतनी थोड़ी सी वॉक करा दें और साथ लेके जाते हैं। मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा था, मैंने कहा अनिया ने पेट ऊबर नहीं कराई, तो अनिया कहते कौन सी पेट ऊबर, हम तो जा रहे हैं उसके ऊपर। तो ये हमारी कम्यूटिंग क्वीन है और जहाँ भी हमें जाना होता है बस पे, बिकॉज मेरे लिए बड़ी टू मच इन्फॉर्मेशन TMI, लेकिन अनिया से मैं पूछता रहता हूँ कहाँ जाऊँ कैसे करूँ, ये फिर वो बताती रहती है ऐसे ऐसे कर लो, तो हम भी सीख रहे हैं। लेकिन बस पे जा रहे हैं, मेरा इतना कम्यूट है नहीं, अनिया का ज़्यादा होता है, तो अनिया इज़ रिलेटिवली बेटर, एक्चुअली वे बेटर। अब हमें न्यू पोर्ट की बस लेनी है बिकॉज एट्स एट होम जो है वो न्यू पोर्ट रोड पे है एंड यहाँ पे आ रहा है जॉन लुइस की पार्किंग जो कि यही है, ये कार पार्क है, यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं एंड यहाँ से हमें बस लेनी है न्यू पोर्ट की। हम जा एक्चुअली ब्यूट पार्क रहे थे, हमने बोला कि पहले वॉक करा लें, लेकिन रास्ते में अन्य क्लासमेट्स मिल के ज़रा थोड़ी गपशप लगी तो सनसेट हो गया। कहाँ पे? चलो वो देखो अनिया तुम्हारी हीथ हॉस्पिटल वाली, काफी दिनों से ली नहीं है बस मैंने। फिर क्या किस पे जा रही हो? ट्रेन। गाइस बस में आ गए हैं, एंटनी को बड़ा ऑकवर्ड लगता है बस में रिकॉर्ड करना, मैं आपको दिखा दें कि हम बस में फाइनली आगे जा रहे हैं इसकी हैप्पी बर्थडे की शॉपिंग के लिए। हम जिस बस पे पहले इनिशियली जाने वाले थे ना हम उस पे नहीं चढ़े और इत्तेफाक से जो बस वाले लोग हैं तो वेल्स के लोग हैं बड़े अच्छे, उसने बोला कि इफ़ आई वाज यू आई वुड टेक दैट बस, मैं कहा हम वो ले लेते हैं, तो वो जाहिर है बस वालों के लिए काम ही करते हैं तो बेहतर पता होगा। तो खैर हम 44 नंबर की बस लेके हम आगे G9 वाली 105 और 120 याद बस लेके अभी अभी पहुँचे हैं पेटसेट होम। ये है पेटसेट होम गाइस, पहले भी आप लोगों को दिखाया हुआ है, यहाँ पे कुत्ते बिल्लियों की और पेट्स की जनरली चीज़ें मिलती हैं एंड इट्स ह्यूज। भी ब्रूनो को आने वाला है फुल मज़ा गाइस, ये ट्रॉली जब निकलती है तो क्या होता है बर्बादी। हाँ सिर्फ बैठते हैं आज, ये जहाँ भी बोलेगा वो इसको, ये जहाँ पे जो स्मेल करेगा जो इसको चाहिए होगी हम इसको लेके देंगे। सभी स्मेल कर रहे हैं, वो दुकान ले दो उसको। और हमने सोचा कि पॉपी बेला के लिए भी ले लेते हैं, चलते चलते आए तो छोटे छोटे अनिया कहती है कि मेरे पॉपी क्यों पीछे रहे, क्या हो इट्स माय बर्थडे वाइन ले ली डॉगी वाइन इट्स माय बर्थडे लो। कुछ कुछ और है ये कप है कपकेक, यार अगर कपकेक देखो 3 पाउंड का है एक, तो ये 6 पाउंड का पूरा वो किट है। हाँ ये बेहतर नहीं, बर्थडे गिफ्ट बॉक्स ये क्या है, डॉगी सेलिब्रेशन देखो, ये पिज्जा वाला केक लेना है ट्रॉहर्ट नहीं बर्थडे का लिखा है, हैप्पी बर्थडे वाला चाहिए ना, तो ये लेते हैं क्या ये वाला, चलो ये डालो देखा। तो सबसे पहले हमने ले लिया इट्स माय बर्थडे वाला एंड सेकंड हम क्या ले रहे हैं, डॉग वाइन नहीं, हमारा साफ सुथरा अच्छा डॉगी है यार, हम क्यों वाइन ले, वैसे वाइन नहीं होगी ऑफकोर्स, वो वैसे ही उन्होंने लिखा है बोतल होता है ऐसे बनाएंगे। नहीं क्या चाहिए, चलो तुम्हें क्या चाहिए, इधर आ चलो। अनिया कह रही कराची में जो बेबीज हैं उनके लिए भी ले लूँ और बूनी के लिए भी ले लूँ। ये जो चीज़ें होती हैं ना ये जो ये वाली हैं ये वैसे होती बड़ी डिस्कस्टिंग है बट दे आर एक्चुअली वेरी गुड फॉर देम डॉग्स स्पेशली बिकॉज रॉ होती हैं, इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं होते, देनी चाहिए लेकिन बड़ी बू आती है यार, यार इसको पैकेट के अंदर स्मेल आ रही होगी। हाँ उसको भी सारी बहुत स्टिमुलेशन हो रही है। ड्राई फूड है उधर, क्या काम है तुम्हारा, इधर आओ इधर आओ गाइस, यहाँ पे ना और भी कुत्ते होते होंगे तो इसको उन कुत्तों की स्मेल आ रही है, इधर 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 आओ
नहीं है कुछ, नहीं कुछ। आजा चलो। या तो ये वाला भी ले सकती हूँ, इसमें तीन है। ये किसके लिए? पॉपी वाला। हाँ वो शेयर करेंगे अच्छी तरह, लड़ेंगे। फिर वही ले लो, ब्रूनो वाला। हाँ ब्रूनो वाला ले लो, अगर उससे छोटा है तो वो भी ले लो। उससे छोटा है कोई? हाँ नहीं, फिर ये दिस इज बेटर। अच्छा लगा था मुझे। हाँ दिस इज बेटर। और ये प्याले वाला है? प्याले वाला भी अच्छा स्टिमुलेशन है वैसे। ये यार ट्राइड एंड टेस्टेड तो ये है गाइस, क्योंकि हमारा जो अपार्टमेंट है वो इतना बड़ा नहीं है। हमें लोग बोलते अपने अपार्टमेंट के बाथरूम में नहला दो। मैं कहा दिमाग खराब है यार, अगर नहला दिया साफ कौन करेगा बाल, और जब बाहर आएगा तो वो कौन पोछेगा। तो ये भी एक अच्छा है कि डॉग सेल्फ वॉश। आप यहाँ पे आए अपने कुत्ते को खुद नहलाएं। ये है स्मॉल डॉग का 5 pounds और ब्रूनो लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में आएगा 10 pounds। 10 pounds में ब्रूनो को हम नहला सकते हैं। इसमें ड्राइंग भी है, इसके अंदर बाथ वगैरह भी है। यहाँ पे इसको इतनी स्मेल आ रही होगी यार, बिकॉज़ अगर आपको नहीं पता तो कुत्तों की जो स्मेलिंग एबिलिटी होती है वो ह्यूमन से पता नहीं कितने दर्जों ज़्यादा होती है। दे आर मेड फॉर इट। अब ये कोई और कुत्ता सूंघ के गया होगा, जिसको ही सूंघ गया। आ जाओ इधर आ जाओ। अनिया फिर गायब हो गई हैं। ओ ये नहीं। ये क्या ले लिया? पॉपकॉर्न भी, डॉगी पॉपकॉर्न। नॉर्मल ह्यूमन पॉपकॉर्न है ना? बस अनसॉल्टेड वगैरह। हाँ सेफ होंगे। दिखाओ और क्या लिया? जो ब्रूनो की है चिकन, ये स्नफल मैर में डालने के लिए। यार ये बहुत अच्छी थी। एंड लैम्ब ब्रेड, ये भी अच्छी है। मम्मी आपके लिए नहीं है ना तुम्हारे पास लिकी मैट? नहीं। मछलियां सूंघ रहा है। हाँ ये देखो मछली है इसके लिए। नहीं वो छोटू बेबी है ऊपर, वो देखो। हाँ ये वाला लेकिन कॉन्ग नहीं। हाँ नहीं कॉन्ग नहीं, आई डोंट लाइक कॉन्ग। कॉन्ग की बाकी चीजें बहुत सॉलिड है, बॉल्स वगैरह। गाइस हम ना ब्रूनो की ये वाली बॉल लेते। इधर आओ ना, ये वाली, ये इतनी अच्छी बॉल है। ये इसको पीछे ये चाहिए बॉल, ये लो सिट सिट स्टे वापस। बड़ी बॉल हमारे पास है, हमारे पास बहुत, हमारे 4 balls हैं कॉन्ग की सेम टू सेम। टेनिस बॉल वाला नहीं, ये वाली बॉल, ये वाली बेहतर नहीं? नहीं वो वाली। हाँ बॉल से वो इतना ट्रैक, इसको चाहिए। पकड़ लिया था उसने। ये वैसे बहुत बड़ा नहीं होगा उनके। हाँ जो छोटी बॉल हो ना। अनिया ब्रूनो से भी दूर रखना। हाँ ये थोड़ा बेहतर है। 2 pounds वाली कौन सी है वो देखो? 2 pounds वाली ये। हाँ ये भी सही है, ये ले लो। ये यही है तो वो सही है। अगर उसकी डोरी अलग है तो 2 pounds वाली ले रहे हैं। पर तो नहीं जाएगी? नहीं यार छोटे छोटे कुत्ते का फाड़ेंगे। ने एक और हैप्पी बर्थडे वाला लिया, किसके लिए लिया बताओ जरा? शिज़ू लूना की भी 1 year की हुआ है। उनकी तो सेलिब्रेट भी नहीं हुई बेचारों की। कहाँ चले? हाँ ट्रू। नहीं वो, हाँ वैसे रेनकोट की भी जरूरत नहीं पड़ती। ब्रूनो के साइज का देखिए और कोई, ये नहीं के लिए एक्स्ट्रा लार्ज सैल्मन ऑयल। हम खुद अपना खाना भूल जाते हैं। ये देखें गाइस, घूमो। हाँ निकला, क्या क्या हो गया? सब हो गया, सब हो गया। पहला की हार्नेस, वो लूना की हार्नेस बिगड़ गई। कितनी प्यारी है झूठी सी, आ जाएगी ना होपफुली। यार देखो चार कुत्ते, चार में से किसी एक को तो आएगी, तो हो जाएगी। हाँ लूज टाइट भी हो जाएगी, बचत हो जाएगी। बहुत बू आती है यार। ये होता ट्रे किया? आ, ये। किसकी? गाय का बीफ। उसकी दुम देखो। Are you proof? Or do you want this? ये तो बहुत गंदा लग रहा है, घर में ही लेकर आना। दे देते हैं यार, खैर है। मैंने इसको देखो यार, क्या हो गया यार? कसाई जंगली हो जाएगा इसको पकड़। क्यों जंगली हो जाएगा? हो जाएगा तो खाने देंगे उसको। कसाई की दुकान पे नहीं गई तुम कभी? अच्छा यही यही अप्रूव्ड। अच्छा लगे। अच्छा अभी नहीं भाई, अभी नहीं, घर जाके दें। हैं दल है, चल गले में तो नहीं फंसेगा? नहीं नहीं ये इसलिए कोटेड होता है यार। ये ले लेते हैं नहीं, ये पाए। बहुत गंदा लग रहा है यार, गंदी चीजें ज्यादा मजे की लगती है उनको। कान कान ले आया, कान इयर्स सुअर के। नहीं नहीं सुअर नहीं देना,
गाय के का नहीं आ रही तो कड़क कड़क पापड़ समझ के खा जाएगा एक सेकंड में। कोई ऐसी चीज ट्राई बहुत गंदा है। चलो बस यही सही है। चलो अब तो मेरे मैं इससे कुछ भी करवा लूं, डांस भी कर लेगा। बोलो करो सेट। ओए डाउन कंडीशनल डाउन सेट डाउन डाउन टच टच गए जाओ अभी अभी यहाँ पे कैसे दे मुनिया आपको बिल भी देना है यहाँ पे पैसे लगते हैं पीछे पीछे फुल ऑन। इसके हमने पॉपी के लिए लिया है आज पॉपी को आई थिंक सो बट इट लुक्स टू बिग आई थिंक ये तो बुनी के गर्दन पे लगा के देखो मुझे तो लग रहा है ब्रूनो को भी आ जाएगा ताकि हाँ अनिया सोचो ब्रूनो की ऑलमोस्ट आ रहा है गर्दन की ब्रूनो की गर्दन पे वो अंदर जाके फिर निकलता भी तो है आर यू श्योर because I don't think ये पॉपी का साइज़ है। it's supposed to be like इतना। इतनी बड़ी है पॉपी की गर्दन। इतना मोटा पस्सा है वो कहीं का। guys pet shops के rabbits इतने प्यारे होते हैं। ये इतना प्यारा rabbit है और। पर नहीं देखो ये देखो rabbit देखो ये देखो। ये एक दूसरा भी आ गया। अब ये देख के थोड़ा सा परेशान भी हो रहा है। yeah it's like I wanna play with them. बोनी वो रैबिट है वो कुत्ता नहीं है। जगह ढूंढ रहा है ये कैसे अंदर जाऊं। पुनी इधर आओ इधर आओ चलो नहीं देर अनिया काउंटर पे थी हम जरा एक्सप्लोर ही कर लें कुछ और पसंद आ जाए। यहाँ पे मिल रही है इस सांप को ट्रीट। अनिया ये ले ले अनिया ये ले लो एक ये लो ये वही गंदी वाली है। गाइस ब्रूनो को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ट्रीट मिली है बर्थडे की वजह से। अभी एक और मिली। छांग ही नहीं मारो इधर आओ बोलो पानी बोलो पानी 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 खाने की चीज नहीं पहले पानी पियो बोलो पानी चाहिए कि नहीं इसको पानी में डाल दो कुछ और खोल दो जो पानी में जा सके। देखो कोई तरीका नहीं है। नहीं 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 बहुत ज्यादा है बिल्कुल कोई थोड़ा सा निकालो नहीं निकलेगा निकलेगा आगे हाँ ये पानी में डाल बुनी ये लो बुनी अब ये गाइस हमें इस तरह हरकतें करनी पड़ती हैं ब्रूनो को पानी पिलाने के लिए क्योंकि आप मानेंगे नहीं लेकिन ये पानी पीना भूल जाता है। इसको प्यास लग रही होती है पानी पड़ा होता है लेकिन ये भूल जाता है कि पानी भी कुछ चीज़ है नहीं है। चलो कोई बात नहीं वो हाँ बास्केट भी तो छोड़नी है। वो देखो उसके अंदर है भी है खत्म करो उसको। फाइनली डन विद पेट्स एट होम। जब हम लोग बस में बैठ गए और अभी थोड़ी बस खाली है तो मुनी को फुल खुल्लम डुल्ला जहाँ मर्जी फिर अपनी बस है जो मर्जी कर खाली बस में जहाँ जाए जाए बस कोई आ ना जाए। ब्रूनो मिस्टर भाई तुम्हारी बर्थडे तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन लोगों को भी पता है कि तुम्हारी बर्थडे फिर हम समझते हैं। मैं भी टेस्को से होके आई हूँ और ब्रूनो साहब अपेरेंटली मेरा वेट कर रहे थे जस्ट लाइक अली अभी एक रेस्टोरेंट में बाथरूम गया था और ब्रूनो उसका वेट कर रहा था। He loves you more. He loves both of us. चलो ना चलो। मुझे ना थोड़ा सा काम करना था तो मैं काम वगैरह करके फारिग हुआ और सॉरी इन केस आप ये सोच रहे हैं कि मेरे हाथ पे क्या हुआ तो एक्जिमा थोड़ा फ्लेयर अप हुआ है तो हैवी वाला मॉइस्चराइजर लगाया। आई होप इट गेट्स बेटर बट दिस डज यूजुअली हैपन इन विंटर्स। यहाँ पे जरा हर वक्त ही विंटर होता है तो आजकल जरा ज़्यादा ही स्टार्ट हुआ है और इतनी देर ये भाई साहब कुछ ज़्यादा ही नीडी हो गए हैं जब से इनको पता लगे कि इनकी बर्थडे पता नहीं इसको सेंस कैसे इसने कर लिया और ये तब से लेकर ऐसी ऊपर अपना सर रख के बैठा हुआ है। क्या चाहिए आपको खाना तो खा लिए हमने तो खाया भी नहीं है अभी प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी इतने नीडी क्यों। गाइस मैंने वीडियो एडिट कर रहा था बैठा बैठा तो उबर ईट्स ने पिज्जा मंगाया था। अनिया कह रही है कि आज सारा पिज्जा खाने का दिल कर रहा है बिरयानी इतनी अच्छी नहीं बनी थी। मुझे क्या पता मैंने कभी उबर ईट्स ऑर्डर नहीं किया था मुझे नहीं पता कभी नोटिफिकेशन आएगी बैकअप हाँ ठीक है आई होगी जो भी तो वो बंदा बाहर ही रख के चला गया। अब वो बाहर सर्दी वहाँ पर हमारा पिज्जा ठंडा हो रहा है तो ये हमने मंगाया मार्गरीटा पिज्जा। इसको पता है कि पिज्जा है मार्गरीटा पिज्जा आधा मशरूम और बाकी मोज़रेला स्टिक्स। यार वैसे मैं सोचता हूँ अगर गोरे भी हलाल चिकन हर जगह पे बेचें
तो कितना मजा है। देखिए ये तो खा सकेंगे, हम भी खा लेंगे, मतलब दुनिया की सारी कम्युनिटीज खा लेंगे। अब हम पिज्जा खाते खाते देखेंगे क्या, कभी मैं कभी तो वो रिमोट लेते बैठना। ओके ये लो यार, पिज्जा भेजते हैं इन्होंने तो स्लाइस भी नहीं किया, बिल्कुल भी स्लाइस नहीं किया। ये कोई तरीका होता है यार पिज्जा भेजने का, जो चुड़मुड़ करके हम तोड़े हैं। गाइस अब हम क्योंकि फारिक वारिक हो गए हैं, खाना वाना खा के सारी चीजें, तब हम करेंगे बोनी की बर्थडे सेलिब्रेट। आपका केक आ रहा है। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। निकाल के करते हैं ना, निकाल के करूंगी। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Boonie. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Pehle, it's my birthday. Don't shawty. It's your birthday. You gotta party like it's your birthday. Stay. Hey, de do, thukku lag raha hai. Good boy. Happy birthday, Muni. Happy birthday, Muni. What do you want to do? नहीं ट्रिकिया ना, तो फिर बस इस पे बस करते, ये ट्रिकिया देना। ट्रिकिया के लिए वो एक्साइटेड था सबसे ज्यादा। फिर ये रख देते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ ये फिर रख दे इसको यहाँ पे वापस। एंड ओ ओ ओ, ये क्या है मुनी, ये क्या है पुनी। ओए 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 ओए, इसके लिए तो गाइस ये पागल हो जाएगा। ये थिंक इसको स्मेल आ रही होगी वहां तक, जो मर्जी करा दे। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा बुनी टच। अब ये लेके चला जाएगा उधर। गाइस जब कुत्ते ज्यादा पोजेसिव होते हैं ना किसी चीज के बारे में, तो कोने में चले जाते हैं। स्मेल बड़ी गंदी आ रही है ये। नहीं है। अब ये क्योंकि बूनी लेके बैठ गया कोने पे, तो थोड़ा जंगली भी हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको अपनी स्पेस में रहने देते हैं। और हम करते हैं अपनी वीडियो यहाँ पे खत्म, बिकॉज ये आई डोंट नो काफी लोगों के लिए ये अनयूजुअल होगा, और आई डोंट नो सेंटिमेंट हर किसी के अलग होते हैं, टू ईच देयर ओन, किसी को समझ आएगी किसी को नहीं आएगी। लेकिन यार हमारी जिंदगी का एक पार्ट था, एक दिन था, हमने कहा आपको शेयर करते हैं, शेयर किया। तो प्लीज मेरे कमेंट्स में ये ना बोले कुत्ते की आपने बर्थडे सेलिब्रेट की, कुत्ते से ये होता है कुत्ते से वो होता है। भाई 6 साल से मेरे पास कुत्ता है, किसी के कमेंट करने से मैं कुत्ते को बाहर छोड़ के तो आऊंगा नहीं। तो जो भी है जैसा भी है अपना है, ख्याल रखेंगे प्यार करेंगे। तो ये मेरा एक क्लोजिंग नोट था, मैंने कहा जरा जाते जाते देते हैं, आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह दोबारा जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक अपने ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।